इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं जीरोधा में आपको जहाँ पर डिलीवरी मार्जिन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है और वहाँ पर आपके कुछ पैसे अटके हुए भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है और डिलीवरी मार्जिन जीरोधा में किस तरह से काम करता है, या फिर क्या आपके पैसे डूब गए या फिर आपके पैसे कहाँ चले गए, क्यों ये इशू आ रहा है, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जीरोधा में जो डिलीवरी मार्जिन का ऑप्शन आता है और जहाँ पर हमारे कुछ पैसे अटके पड़े होते हैं, तो ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इसमें आपको बता दूँ तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपका कोई डिलीवरी मार्जिन लिया गया है आपसे, तो वो पैसा आपको फिर से मिलने वाला है। कि कब मिलेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरी मार्जिन होता क्या है और यहाँ पर हमारे पैसे क्यों अटकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा, जब हम जीरोधा में कोई बाय करते सेल करते या फिर स्टॉक को लेते हैं और उसको जब हम लेकर सेल कर देते हैं, जब हम उसको सेल करते हैं तो उसका जो 20% होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो 20% होता है वो यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर मेरे अभी 2000 दिखा रहा है डिलीवरी मार्जिन के तौर पर, यानी कि 20% हमारा जो सेलिंग का होता है, हमने जितने अभी स्टॉक सेल किया है उसका 20% यहाँ पर अमाउंट आ जाता है और बाकी आपको आज के दिन के लिए यूज़ करने के लिए दिया जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको बैलेंस दिया जाता है 80% और जो आपने सेल किया था उसका 20% यहाँ पर डिलीवरी मार्जिन में आता है। लेकिन दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ये जब आपका अगले दिन बैलेंस अपडेट हो जाता है तो ये जो 2000 है यानी 20% आपसे लिया गया था वो आपको फिर से वापस दिया जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत ये आ सकती है कि आप उस दिन इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 2000 रुपये वहाँ से जो है वो डिलीवरी मार्जिन के तौर पर ले जाते हैं। अब ये क्यों लिए जाते हैं, तो इसका सीधा सा सवाल का आंसर यही है, जवाब यही है कि आपसे इसलिए लिए जाते हैं तब कि आपकी जो सिक्योरिटी हो वो अच्छी रह सके, या फिर आपने जो स्टॉक सेल किया है उसमें आपका जो प्रॉफिट कितना बना है या फिर कितना आपको लॉस हुआ है वो सभी जीरोधा के पास एज अ इंफॉर्मेशन रह सके, इसलिए वो डिलीवरी मार्जिन के तौर पर यहाँ पर आपसे लेते हैं। लेकिन ये आपको 100% सभी के सभी पैसे आपके नेक्स्ट डे अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। जब आपका अकाउंट का बैलेंस कल के दिन अगले दिन रिफ्रेश हो जाएगा तब ये 20% जो आपसे लिया गया था वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें डिलीवरी मार्जिन में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।